चैप्टर फर्स्ट नेम इज हाफ ऑफ द रिवॉर्ड. ओके, हाफ ऑफ द रिवॉर्ड. रिवॉर्ड मीन्स इनाम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ टाउन. एक समय की बात है, एक जगह एक शहर में बहुत ही अमीर आदमी रहता था. ही वॉन्टेड टू गिव अ ग्रेट फीस्ट टू हिज फ्रेंड्स. वो अपने दोस्तों को बहुत ही बड़ी पार्टी मतलब दावत देना चाहता था. ओके, द रिच मैन गॉट ऑल काइंड्स ऑफ डिशेज प्रिपेयर्ड बट ही कुड नॉट गेट द फिश. जो रिच मैन था उसने बहुत सारी डिशेज प्रिपेयर्ड की थी, बहुत सारी, बट उसको फिश नहीं मिली. ही ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू द मैन हु विल ब्रिंग इट. उसने एक इनाम रखा, जो भी मछली लेकर आएगा मैं उसको एक इनाम दूंगा. ओके, आफ्टर सम टाइम अ फिशरमैन ब्रॉट अ बिग फिश. फिशरमैन मीन्स मछुआरा. कुछ समय बाद एक मछुआरा एक बड़ी फिश लेकर आया. ही वेंट टू द रिच मैन्स हाउस. वो रिच मैन्स के घर गया, वो जो अमीर आदमी थे वो उसके घर पे गया. बट द गेट कीपर डज नॉट अलाउ फिशरमैन टू गेट इनसाइड. जो गेट कीपर था वो फिशरमैन को अलाउ नहीं कर रहा था, अंदर जाने के लिए मना कर रहा था. गेट कीपर सेड, गेट कीपर बोला, यू हैव टू प्रोमिस मी डेट यू विल शेयर हाफ योर रिवॉर्ड टू विद मी एंड देन ओनली आई विल अलाउ यू टू एंटर इनसाइड. जो गेट कीपर था उसने फिशरमैन को बोला, अगर तुम अपना जो रिवॉर्ड है, जो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, अगर तुम उसमें से मुझे हाफ शेयर करोगे तो मैं तुम्हें अंदर जाने की परमिशन दूंगा. कौन बोला? गेट कीपर बोला. किनसे? फिशरमैन से. ओके, सो नेक्स्ट, द फिशरमैन एग्रीड. जो फिशरमैन था वो एग्री हो गया, मान गया. गेट कीपर अलाउड हिम टू गो इनसाइड. गेट कीपर ने उसको अंदर जाने दिया. द रिच मैन वॉज हाईली प्लीज एंड वॉन्टेड टू गिव फिशरमैन अ लॉट ऑफ मनी. जो रिच मैन था वो बहुत ही खुश हुआ, बहुत ज्यादा, और जो फिशरमैन को वो बहुत सारे मनी दे रहा था. बट द फिशरमैन रिफ्यूज टू टेक द मनी. जो फिशरमैन था उसने मनी लेने के लिए मना कर दिया, मतलब पैसों के लिए मना कर दिया. इन प्लेस ऑफ एक्सेप्टिंग मनी एज हिज रिवॉर्ड ही डिमांडेड 100 लैशेज ऑन हिज बैक. लैशेज मीन्स होता है कोड़े. ओके, जो फिशरमैन था उसने पैसे लेने के लिए मना कर दिया और उसने पैसों की जगह, मनी की जगह, अपने रिवॉर्ड में मतलब अपने इनाम में उसने 100 लैशेज मतलब 100 कोड़े अपने पीठ पर लगवाने के लिए बोला. ऑल वर सरप्राइज. वहां पे जो भी थे सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए. एट लास्ट द रिच मैन ऑर्डर्ड अ सर्वेंट टू गिव फिशरमैन 100 लेसेस. लास्ट में रिच मैन ने अपने सर्वेंट को ऑर्डर दिया, रिच मैन ने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि वो फिशरमैन की बैग पे 100 लेसेस मतलब 100 कोड़े बरसाए. ओके, व्हेन द फिशरमैन हैड रिसीव्ड 50 लेसेस ही आस्क्ड देम टू स्टॉप एज ही हैड टू शेयर हाफ ऑफ द रिवार्ड विद द गेट कीपर. जब फिशरमैन की बैग पे 50 लेसेस पड़ गए तो उसने सर्वेंट को स्टॉप मतलब रुकने के लिए बोला, मतलब स्टॉप बोला. और उसने मतलब जो फिशरमैन था उसने सर्वेंट को बोला कि अब रुक जाओ और मेरा जो हाफ है 50 बचा है वो मैं गेट कीपर को दूंगा, मतलब गेट कीपर के पड़ेंगे वो कोड़े. ओके, द रिच मैन अंडरस्टूड द होल थिंग. जो रिच मैन था वो सारी बातें समझ गए थे कि ये सारी बातें क्या है. देन गेट कीपर वॉज गिवन द रिमेनिंग 50 लेसेस एंड डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस. जो रिच मैन थे उन्होंने ऑर्डर दिया सर्वेंट को कि वो गेट कीपर के 50 लेसेस लगाए और फिर वो रिच मैन ने उनको निकाल दिया, गेट कीपर को डिसमिस कर दिया उनकी जॉब से. द रिच मैन गेव द फिशरमैन अ हैंडसम रिवॉर्ड. जो रिच मैन थे उन्होंने फिशरमैन को बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. ओके डियर स्टूडेंट, आई हैव